अगर अपन लाइन की इक्वेशन की गल करिए प्लेन फ्लैग फ्लोर चला सो इफ वी टॉक अबाउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन बच्चे लाइन की इक्वेशन के में दो चीजें जाएंगे किडी है जनरल पॉइंट जनरल पॉइंट हमेशा होता है अपने एक्स वाई है पासिंग पॉइंट डायरेक्शन ठीक है हमने की कह रहे हैं पासिंग पॉइंट के अंदर की ऑप्शंस हैं डायरेक्शन ऐसे होते हो सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन लेते हो सकते हैं डायरेक्शन एंगल लेते हो सकता है एक और पासिंग पॉइंट लेते हो सकता है ठीक है पैरेलल लाइन की हो सकती है परपेंडिकुलर लाइंस की हो सकती है सो दीस आर द ऑप्शन जिधर मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन और सेगमेंट का होगा क्योंकि अगर डायरेक्शन रेशियो मतलब सीधा क्वेश्चन अगर डायरेक्शन का साइन है फिर भी सीधा क्वेश्चन है क्योंकि डायरेक्शन का साइन इज द वन काइंड ऑफ डायरेक्शन रेशियो जिधर मुझे स्केलर सम के देख लूंगा वन देन मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूं अगर डायरेक्शन एंगल पता अल्फा बीटा गामा तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा करके मैग्नीफाई कर लूंगा डायरेक्शन कोसाइन बेटा हो गया अगर मैंने पासिंग पॉइंट पता दो पासिंग पॉइंट हो गए तो दोनों माइनस करके हमेशा की मिलता है डायरेक्शन रेशियोस यही होता ना अगर दो पॉइंट हो तो 1 2 3 4 2 1 तब इन्हें डायरेक्शन रेशियो की होगी 4 minus 1 3 2 minus 2 0 1 minus 3 minus 2 2 सो दीस आर द डायरेक्शन रेशियोस तो दो पॉइंट अलग हो गया अगर पैरेलल लाइन हो गई तो मैं गल ही करवाया सीगा पैरेलल लाइन दे डायरेक्शन रेशियो ज्यादा सेम होते या फिर कहते हैं मल्टीपल्स अगर परपेंडिकुलर लाइन हो गई तो पूरा पूरा क्वेश्चन ही थोड़ा गलत करवाया जिन्होंने नहीं देखा तो वीडियो अपलोड कर दो एक्चुअली कर ले रहे पेंडिंग हो गई सी वीडियो सो अंडरस्टूड सो ये चीज एक बार लेकर पता किसी को पता होए जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन की गल करते हैं तो दूजा अपन एक कंप्लीट कर रहे सीगा कि अगर इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है तो उसको मैं की फाइंड कर सकता डायरेक्शन रेशियो ओके डायरेक्शन कोसाइन ओके पासिंग पॉइंट डायरेक्शन सो ये चार चीजें मैं बहुत ही इजीली उसको फाइंड आउट कर बट पॉइंट इज दैट कि इन कुछ भी फाइंड आउट करने तो पहला वो केड़ी फॉर्म चुननी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म केड़ी फॉर्म चुननी चाहिए तो सब तो पहला ये जनरल गलती है जो बहुत बच्चे कमेंट कर दिया सदे ले गए उन्होंने देख के पहला देखो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है कि नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब की है कि x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b z माइनस z1 अपॉन c सो स्टैंडर्ड का मतलब की है x y z तीनों का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए वन पॉजिटिव अगर है तो स्टैंडर्ड फॉर्म दूजे ध्यान रखना कि पासिंग पॉइंट फॉर्मूले से हमेशा वही होता ना दो चीजें ध्यान रखना अगर बाई चांस कहते मिल जाए प्लस तो उन्होंने माइनस कन्वर्ट करना सुन होता माइनस इंटू माइनस ठीक है सो ये दो चीजें तो वर्क किया अपने ठीक है जिहड़ा कि आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए क्यों मैं इस पर ज्यादा फोकस रिपीटेडली कर रहा हूँ क्योंकि अगर एक बार ये चीजें क्लियर हो गया थोड़े नंबर ऑफ मिसटेक्स घट जाएंगे अगर कंसैप्ट है सीधे सीधे ब्रॉड कंसैप्ट है हम फॉर एग्जाम्पल एक कंसैप्ट में बोल रहे हैं कुलिनियरिटी वगैरह एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चन सी हम ना जस्ट ध्यान रखना अजय मैं वैक्टर फॉर्म नहीं करवाई है ना तुम याद रखियो ठीक है क्योंकि वैक्टर फॉर्म से क्वेश्चन होंगे मैं अजय करवा देना बार बढ़ा देना दोनों नहीं
तो क्वेश्चन इज दैट फर्स्टली अपन ने चेक करना वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, सेकंड अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग आ वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उन्हें ये किया एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, एक पर्टिकुलर मेथड को बड़ा नहीं है हार्ड एंड फास्ट होगा आई कैन नाउ करना, बट एक सिंपल जो टेक्निक अगर क्लियर होगी तो क्वेश्चन किया अपने की फाइंड करना वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग there will be some point which will be common to both, or in other words I can say there will be a point which lies on the first line as well as on the second line, common line on the first line bhi hogi the second line, matlab agar ye do line is tarah hai so this point will be the common point, yes or no? This will be the common point jehda first line bhi hoga the सेकेंड एरिया का, इस अट्ठे एरिया का। फिर अपन ये इंटरसेक्शन पॉइंट करते हैं, जब इंटरसेक्शन पॉइंट चेक करने का, तो बड़ा सिंपल जब होने का, एक ऐसा पॉइंट है जिधर किधर तेरा लाइन करते हैं। तो बस उन हमेशा क्या, जिधर भी लाइन करते हैं, पॉइंट ये पकड़ लेकर आते हैं, दिमाग से क्या पॉइंट होना चाहिए था? जनरल पॉइंट। जिधर भी लाइन देते पॉइंट की गल करेंगे, वी विल टॉक अबाउट जनरल That means just समझने की कोशिश करें। मान लो this is this line first one and this is the this line second। तो सर्वर क्वेश्चन। अगर मैं इस दिक्कत करा तो मैं इस line का general point करता हूँ। तो general point करता तो वही क्या होगा? इसमें कोई भी constant रख लो, let's say k रख लिया। तो ये first में वही equate की था x के साथ equal आ जाएगा qk plus one। y के साथ equal आ जाएगा ck plus two। तो जेड के से खुला जाएगा 4k प्लस तो जनरल पॉइंट होता है। जनरल पॉइंट का मीनिंग क्या होता है कि ये कैसे डिफाइन करेगा k, अगर k वन होएगा शायद ये पॉइंट के कितने होंगे, कितने कितने तो होएगा क्योंकि लाइन का जनरल पॉइंट है। अगर k टू होया शायद ये पॉइंट इतने कितने होंगे, अगर k जीरो होया शायद ये पॉइंट इतने कितने होंगे, मतलब लाइन तो इतने ही वेरी करेगा जिम्मे जिम्मे k चेंज होगा। समझने की कोशिश करियो अगर इसमें आई पॉइंट दिखा तो के दी किसी ना किसी वैल्यू ली ये पॉइंट ये भी तो बनेगा ना आई कैसा, तब मैं कुछ नहीं मेरे मेनू के दा नहीं पता, मैं क्यों ना के ही के जी वैल्यू हुआ कि के दे होते हुए ये पॉइंट की बन गया आई, क्योंकि पर नहीं बनना किसी ना किसी वैल्यू दे तो उनमें वैल्यू तो मैं नहीं पता उनमें की लैंड कर लिया के कि के दे ली ये जरा जनरल पॉइंट है केड़ा का आई के दूसरी लाइन के लिए मैं जनरल पॉइंट के लिए इसमें कुछ भी लग दो लेटर मोस्ट प्रॉब्ली यूज होंगे लैम्डा एंड म्यू, लैम्डा एंड म्यू, सो दिस इज योर लैम्डा एंड दिस इज योर म्यू, ओके सो ये दो काफी यूज होंगे तो इथे साइन चेंज है ना इट्स मैथ ठीक है दे आर कांस्टेंट समथिंग एल्स, बट अगर मैं जनरल पॉइंट का डाउट है तो एक्स की वैल्यू 5 लैम्डा प्लस 2 वाई की वैल्यू 3 lambda plus 4 तो जेड क्या हो जाएगा 4 lambda, उन्हें केड़ी लाइन का जनरल पॉइंट होता है सेकंड लाइन का, इट विल मूव ऑन द लाइन फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा 1 होएगा शायद इतने होए, लैम्डा 2 होएगा शायद इतने होए, लैम्डा 5 होएगा शायद इतने होए, पर लैम्डा ने किसी ने किसे वैल्यू ली ये पॉइंट की बनेगा आई बनेगा क्योंकि इस पॉइंट लाइन के लिए होगा। मान लो मैं लैम्डा ने अज्यूम कर लिया कि लैम्डा लिए पॉइंट की बन गया आई बन, अगर ए पॉइंट पे आई बन गया तो ये कितने कितने बनेगा, ओ पॉइंट पे आई बन गया तो कितने ना कितने बनेगा, पर ए पॉइंट की कॉमन कॉमन होता हूं मैं किया सेम चाहे पहली लाइन हो चाहे
दूसरी लाइन से. इट मीन्स अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो लैम्डा ते के दी किसी ना किसी वैल्यू लिए दोनों पॉइंट की बन गई सेम बन गए, होना जरूरी है. क्योंकि अगर दो लाइन बचे कट करके यार यहाँ जिन्हें भी पॉइंट डिफरेंट ने मैटर नहीं करता, पर एक पॉइंट यह जो होगा जो दोनों में से होगा कॉमन, तो वो किससे डिपेंड कर रहा है लैम्डा एंड के दी. कि लैम्डा ते के दी कोई ना कोई एक जी वैल्यू होगी जिथे आके एक्स एक्स दे इक्वल हो जाएगा, वाई वाई दे इक्वल हो जाएगा, जेड जेड दे. अगर ये हो जाता तो इंटरसेक्टिंग, अगर ये नहीं होता तो इंटरसेक्टिंग नहीं. इधर पॉइंट समझ आया सर? तो करके रहे आप कुछ भी नहीं, एक लाइन में जनरल पॉइंट कटिया, दूसरी लाइन में जनरल पॉइंट कटिया. हम मैं की सोच रहा अगर वो इंटरसेक्टिंग है तो लैम्डा दे के दी किसी ना किसी वैल्यू लियो दोनों की होंगे आपस में सेम. ठीक है ओके. सेम का मतलब की है एक्स दी इक्वल होएगा एक्स दी, यानी कि 5 लैम्डा प्लस 2 किस दे इक्वल होएगा 2k प्लस व्हाट एल्स 3 लैम्डा प्लस 4 किस दे इक्वल होएगा 3k प्लस 3rd किया 4 लैम्डा किस दे इक्वल होएगा. यही कहानी है. हम तुझे कुछ नहीं करना, बस एक छोटी जजमेंट करनी है. तुसी लैम्डा ते के दी एक जी वैल्यू चेक करनी है जिहड़ी तिन्नां नूं सैटिस्फाई करदी होवे, जिहड़ी तिन्नां नूं की करदी होवे. मान लो कि चलदा वी लैम्डा 1 के भी 1 जिथे फर्स्ट भी सही हो गया, सैकेंड भी सही हो गया, थर्ड भी सही हो गया. यानी कि लैम्डा ते के दी इस वैल्यू लई तिन्ने पॉइंट की हो रहा सेम हो रहा, यानी कि दोनों पॉइंट की बन रहे हैं सेम बन रहे हैं, यानी कि एक जो कॉमन पॉइंट हैगा जो दोनों ने की है सेम. अगर ये नॉट पॉसिबल होगा तो ऑब्वियसली दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, उन्हें चेक करना होगा. तो पॉइंट इज दैट कि इक्वेशन तो अभी इक्वेशन में चेक करते हैं कितने वेरिएबल है, अननोन कितने हैं, दो. तो मैंने कितने इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने लिए, टू है तीन. तो मैं की था मैं दोनों सॉल्व करना स्टार्ट करता, इसमें टू ना मल्टीप्लाई करो ਉਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰੇ ਨੂੰ ਨੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ 10 ਲੈਂਡਾ ਪਲੱਸ 4 ਜਿਹਦਾ ਸੋ 4k ਪਲੱਸ ਦੋਵਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦੋ, 4k ਨਾਲ 4k ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ, 3 ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1, ਇਹਦਾ 4 ਲੈਂਡਾ ਮਾਈਨਸ 10 ਲੈਂਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 6 ਲੈਂਡਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 4. ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਈਨਸ 6 ਲੈਂਡਾ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕਵਲ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਦੇ, लैम्डा कितना हो गया -5/6. सुनिए बड़े ध्यान से समझ लो, एक बार फिर क्वेश्चन किया लैम्डा के वैल्यू करो के की वैल्यू करो, ये तो करो क्योंकि ये इक्वेशन सॉल्व कर रहा है ना, ये तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है -5/6. अगर पुट करिए तो 4 into -5/6 इज इक्वल टू 4k प्लस 3 2 थे 3 थे, यानी कि -10/3 इज इक्वल टू 4k प्लस 3 4k is equal to -10/3 -3 which comes out to be -19/3. 4 ने डिवाइड करते तो k की ना गया -19/12. अजीब जहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में आधा लेट हो गया तो ये बड़े स्टैंडर्ड ही आंसर होंगे जनरली होते हैं. ठीक है, वो नहीं था मतलब क्या समझे, मैं दो इक्वेशन में सॉल्व किया मेरे को लैम्डा तो k ही मिल गया, यानी कि ये ना तो मदद किया सॉल्यूशन है. यस सर, ਇਹਨੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡਾ -5/6 ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੇ -19/12 ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸੇਮ, ਕਮੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਇਹਦੀ. ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਲੈਂਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਤੀ -5/6 ਇਟ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਲੈ ਲਿਆ 3 into -5/6 plus 4 is equals to 3 times k कितना का उत्तर -19/12 plus 2. अगर इसमें मैं सॉल्व करा 1 2 थे गया 1 4 थे गया 3/2 हो गया है, तो कितना हो गया -11/4 आर इक्वल तो टाइप ऑफ इट मींस की हो गया कि मैं ट्राई करता समझो मैं पूरा कंसेप्ट नहीं को थोड़ा जैसे द्वारा जनरलाइज कर रहा हूं. मैं इंटरसेक्शन पॉइंट कट रहा हूं, इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब कॉमन पॉइंट बिटवीन बोथ, तो मैं दोनों का केड़ा पॉइंट कट गया जनरल पॉइंट.
हम अगर इंटरसेक्टिंग होगी कॉमन होएगा तो कोई ना कोई एजी वैल्यू लैम्डा के दी होएगी जिथे आके दोनों पॉइंट की बन गए सेम जगह भी दोनों समय की बन गए मैं लेट करके चल पाया भी दोनों की बन गई सेम बन गई तो मैं ये देख रहा कि लैम्डा के दी एजी कोई वैल्यू पॉसिबल है जनरली तीनों सेम हो जाने के टाइम की उधर ही मैं क्या किया मैं दो सॉल्व किए मेरे को लैम्डा की आ गया मतलब ये दोनों इक्वल बन रहे हैं पर एट द सेम टाइम की जे इक्वल नहीं बन मतलब पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट तो सेम हो गए तीसरा कोऑर्डिनेट सेम नहीं हो गया दैट मींस इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड एनी कॉमन पॉइंट बिटवीन टू क्योंकि कदे भी ये तीन एक टाइम पे सेम नहीं हो गए क्योंकि अपन जनरल वे दे करके देखा गया तो जनरलाइजेशन ही नहीं हो गया इट मींस दीस लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग अंडरस्टूड अबाउट अगेन मैं कह रहा हूं रट्टा मारने की बजाय ना कांसेप्ट को समझ लो तो भी कंसेप्ट समझ के चार क्वेश्चन मोल्ड भी होंगे ना कर लोगे क्रैम करोगे ना एक ही क्वेश्चन बनेगा वो भी बोल रहा हूँ पक्का एक मिनट से बोलोगे सब तो ना इंटरसेक्शन का मैं पता होगा ना कॉमन पॉइंट ऑन बोथ कुछ और सोच रहे नहीं कॉमन पॉइंट ऑन बोथ जो पॉइंट और लाइन की बात करते हैं तो पॉइंट यूज करेंगे दोनों का पॉइंट क्या है जनरल पॉइंट है क्योंकि कॉमन पॉइंट है तो कॉमन पॉइंट से दोनों पॉइंट की होंगे सेम होंगे तो मैं दोनों की रख लिया इक्वल मैं हम जस्ट इतना काम कर रहा मैं लैम्डा से के चेक कर रहा भी है जो भी लैम्डा से के हैगा जिधर तीनों कोऑर्डिनेट सेम हो जाए उधर मैं दोनों सॉल्व किया दो तो इक्वल बना दे तीजा इक्वल हो गया तो ओके अगर नहीं हो जाता नहीं दैट्स छोटा सा प्रोसेस ठीक है सही का समझ जो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो जनरल पॉइंट से होगा अपना तो क्या वो भी गलत हो गया जिधर कह रहे थे क्या ये स्टडी नहीं सर आप जो मन सही है क्योंकि तेरे गलत हो गए ना वही काम नहीं कर रहे सब याद करके कहीं से ना ताम तो याद नहीं होने ये स्टडी समझी है चलो सीरियसली कह रहे हैं अगर मार्क्स लेने का क्रैम कर दिया छोड़ दो दिस नाइदर पंजाबी नॉर इंग्लिश नॉर केमिस्ट्री नॉर फिजिक्स इट्स फाइन ठीक है लगे देखो मेरा काम तो समझाना होता समझना कम थोड़ा डर समझ के तो सीधे हल नहीं होंगे ना समझे तो विल मीट इन द आफ्टर मार्क टेस्ट नहीं मिलेंगे ये एंड आई होप कि पॉजिटिवली मिलेंगे इधर क्योंकि जब पास होंगे ही मिलेंगे ऐसा तो जब जब पहुंचते भी नहीं है विद द बॉक्स ऑफ शीट्स I'm hoping the same. Even not boxes. So your hopes will come true with my blessings. क्या मैं दिया मैं जब तक बोल रहा हूँ सिंग. Okay, समझ आया तो that how to find the point of intersection. Yes. Very sorry. How to check the intersection? ठीक है. इतनी गलत नहीं बोल रहा. गलत बोलोगे तो गलती आंसर आएगा. We have checked that. Whether they are intersecting or not, main intersection point के लिए भी निकलेगा। तो कटिंग साथ में, they are not intersecting, पर J intersecting होती है, फिर point के लिए निकलता है। समझे इसलिए, मतलब जादू है यार, इन्हें तो मान ली, तो जब ही होगा सेम होगा, मर गया जाएगा। मेरे क्वेश्चन नहीं लगा, मैं क्वेश्चन ही करवा दूँगा। मान लो, उन्हें तो मान ली, तेरने की होगी सेम होगी, तो point है क्या कौन? Intersection point है यार। तो क्वेश्चन आएगा फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना तो क्या मैं करना बड़ा सिंपल है बड़ा का मेरे को लैम्डा भी आ गया मेरे को के भी आ गया अगर तुझे ऐसे लैम्डा पुट कर दोगे तो भी आंसर यही होगा अगर तुझे ऐसे के पुट कर दोगे इतने तो भी आंसर यही होगा चाहे एक पुट करके देख लो चाहे दो मच पुट करके देख लो आंसर क्या आएगा सेम आएगा क्योंकि पॉइंट सेम होगा अंडरस्टूड होगा उतने आगे क्वेश्चन कर देगा कर देगा
माइनस प्लस ना मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर विल मेक इट पॉजिटिव ठीक है एंड इट विल बिकम 12 प्लस 2 14 माइनस 1 इज 13 ए हो गया 4 9 1 रूट 14 देखना हो गया 16 17 18 रूट 8 अगर इसे सॉल्व करना चाहिए तो थोड़ी जो ऐसा नहीं करना लगता आ गया सो एक छोटी प्यारी चीज है क्यों नहीं थीटा इज टू ऑफ कॉस खत्म कर मूवी इसी का वैल्यू होनी थी अपन ठीक है तो ये का स्टैंडर्ड वैल्यू है ठीक है तो स्टिल और टीचर बिलीव कि अगर हमें ये पता का 18 दे फैक्टराइजेशन की जा सकती है 18 रूट 3 इनटू 3 इनटू 2 लिखा जा सकता है तो 3 रूट क्यों हो गया मैं ए सच में ये चीजें जरूरी होंगी जैसे रूट 14 है रूट 18 है अगर आई एड दिस 2 इनटू 3 इनटू 2 इनटू 7 रूट 2 रूट 7 3 रूट 2 रूट 2 ना रूट 2 कैंसिल ठीक है सो इट बिकम 6 रूट 2 सर तेरे लिखोगे जाते हैं लिखोगे 6 के में आ गया वही रूट 2 कितना होता है कैंसिल मतलब 2 आ गया दिया ना ओके मतलब आप क्या ना करना देना कनेक्टेड तो बात भी है रूट मत मैं और रोकली कैंसिल करता सही हाँ मैं भी अच्छा रुकते नहीं है वो उन्हें और के नहीं बोलते करो सो तो सीधे से ऐसे आएगा दसिया से से नहीं आ फार्मूला नहीं से जो डॉट प्रोडक्ट का कीड़े से मैं स्पेशल लिखा है जो मैं कह रहा हूं अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा परपेंडिकुलर बना देंगे चेक करो वीडियो मैं रीसेंट दसी का नहीं बोल रहा हूं जो लंबे टाइम पर कौन लगा पहले ओपन कर दसी का इधर बोल ना एक्चुअली अपने अंदर हुआ है ना वी कांट सकते टेक नहीं सकते पा थोड़े टाइम बाद आया है बट तंजे लग गए हैं कंट्रोल नहीं सर कीड़ा लग सकते दो मिनट अभी इन चार्ट नहीं एक बर्बाद करो ना सो ध्यान एनर्जी ना मिस करो तो कुछ सर पिक्चर ना आए मैं चलो मैं ओके सो दिस इज इंट्रोड ऑफ यू मेरे टाइम अपने क्वेश्चन नंबर है हां या किया है पी थोड़ा अगर पी है तो कुछ पी पूछेगा और तो कुछ पूछेगा जो पी पूछेगा तो दोनों कुछ देगा भी कौन की देता है अभी दोनों लाइनें किने परपेंडिकुलर लाइनें किने परपेंडिकुलर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्वेश्चन देखो वेरी की मैं कर रहा पहला वाले मेरे को वैल्यू दी थी मैंने पूछा सीगा एंगल फुल उल्टा करते ਉਰੇ ਅਨਨੋਨ ਦੇਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਲੈਣਾ ਕਿਨੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਸਮ ਕਿਦੀ ਕਰੂੰਗਾ 0 ਦੈਟ ਮੀਨ ਦੋਨੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮਸ ਆ ਯੈਸ ਤਾਂ ਫਸਟ ਇਨਟੂ ਫਸਟ ਯਾਨੀ 2 ਇਨਟੂ 2 ਸੈਕੰਡ ਇਨਟੂ ਸੈਕੰਡ ਯਾਨੀ 4 ਇਨਟੂ ਮਾਈਨਸ 3 ਥਰਡ ਇਨਟੂ ਥਰਡ ਯਾਨੀ 1 ਇਨਟੂ 3 ਇਹ ਕਿਦੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂਦਾ 0 ਦੀ ਸਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ यानी कि 4 माइनस 12 प्लस पी के इक्वल होना चाहिए 0 दे माइनस 8 प्लस पी के इक्वल होना चाहिए 0 दे अब पी के इक्वल हो गया इट मींस जब पी 8 होएगा सर इन शॉर्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एक नंबर बता दो वैसे एक तो मैं पता बंद अच्छा क्वेश्चन मोल्ड की तैयार सर इन मोल्ड की में कितना जैसा तो बता सकता है स्टैंडर्ड वे डॉट स्टैंडर्ड फॉर्म दे देंगे जैसे 2 कर देंगे जैसे y 2 कर देंगे सर अपन वो कर लेंगे और पहले सिंपलीफाई करोगे फिर करोगे पढ़ने के लिए मार्क बच जाता है समझाएगा सर सो इतने तक हमने आई थिंक फ्यू थिंग्स शुड बी क्लियर फ्रॉम वेरी फर्स्ट बिगनिंग इक्वेशन ऑफ लाइन की में कटनी है सेकंड लाइन तो आप की फाइंड आउट कर सकते हैं थर्ड हाउ टू फाइंड द चेक द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस फोर्थ इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट Fifth, find the angle between the lines. Sixth, if any condition is given, we can find the unknown okay. in between the whatever. That is it. Clear? Yes, sir. Very good. Thank you, sir. Sir, how much time? How much time? 56 हो गया. Sir, 7 हो गया, sir. Sir, क्यों हो गया?
सब नहीं कंसेप्ट कर पा रहे छोटा जा खत्म होना चाहिए नहीं हो गया देख दे ये तो हमने हो गई जो है डेरिवेशन किया कल मैं दसूंगा क्या करते हैं।